नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। कुछ दिनों पहले दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में रुपेश बैसोया की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दरअसल इस कांड में पुलिस की नाकामियां को देखते हुए देर रात फरीदाबाद में अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के लोगों ने कैंडल मार्च कर रोष प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इसमें पुलिस प्रशासन की भी मिलीभगत बताई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। नगर में हुए गोलीकांड को लेकर आज अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा की तरफ से काफी रोष प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद के भारत कॉलोनी में आज काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। रुपेश बैसोया थे, उनको गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई। खाली उनका कसूर इतना था कि उन्होंने बच्चों के बीच जब गाली गलौच हो रही थी तो उन्होंने उस इंसान को मना किया कि कृपया करके यहाँ गाली ना दे, इसी बीच उसने अपनी गोली चला दी। तो आइए हम जानते हैं आज लोगों से कि किस तरह ये अपने इस रोष प्रदर्शन को देखते हैं। देखिए, बहुत दुखद विषय है। हमारे ही बीच का, हमारे समाज का भाई रुपेश जी जो एक्सपायर कर गए हैं, और वहाँ पर दिल्ली में तम्बूर नगर के रहने वाले हमारे भाई बहुत ही सज्जन और शरीफ किस्म के आदमी थे। कुछ नशाखोरों ने, नशे की गांजा दारू बिक्री करने वाले लोगों ने उनको अचानक बिना किसी बात के गोली मार दी गई। तो वहाँ की समाज की, वहाँ की सरकार की कमी है जो ऐसे हमारे बीच के भाई को इस तरह की दुर्घटना उनके साथ हुई। उनके परिवार वालों को बहुत दुखद का सामना करना पड़ रहा है, ना केवल उनको ही, पूरे समाज को, गुजर बिरादरी को इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। उनको इस इंसाफ के लिए एक शांति प्रदर्शन कैंडल मार्च यहां से निकाला जा रहा है हमारे बड़े भाई अनुराग जी के नेतृत्व में। न्याय चाहते हैं हम सरकार से कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस तरह के नशाखोरी और जो ऐसे उपद्रवी है जो समाज के हित के कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां पे दारू बेचना, गांजा बेचना, जो समाज में हमारे युवाओं को नशा के इल्लत उनको डाल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ के हिरासत में लिया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाई जाए। जी, हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और वो क्या चाहते हैं। ये बहुत ये दुखद विधेय है कि हमारे जो रुपेश बैसोया साहब को 30 तारीख को जो है शाम को गोली लगी थी और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो बहुत ये दुखद विषय है हमारे समाज के लिए कि बैसोया साहब को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 30 तारीख को काफ़ी दिन हो गए हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम ये इसी उस पर एक रोज ये पैदल मार्च कर रहे हैं, कैंडल मार्च, और शांतिपूर्वक तरीका से कर रहे हैं और आगे चल के ये रुद्र रूप भी ले सकते हैं। रुपेश बैसोया के भाई भी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर तस्वीर लेकर खड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या सरकार से गुहार। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, 4 दिन हो गए हैं अभी तक उसके गुनहगार अरेस्ट नहीं हुए और ऐसे घूम रहे। उसके बाद उन्होंने 2-3 वारदातें और करी हैं, अगर ऐसे क्रिमिनल घूमते रहे तो हमारे भाई के सिवा और कितने भाइयों का नुकसान हो सकता है। सरकार जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई करे, उन पर दबाव बनाए, उन्हें पकड़े। दिल्ली की सारी सेल लगी हुई है लेकिन अभी तक 4 दिन में उनके पास कोई भी ऐसा वो नहीं है हमारे लिए कि हमने उनको पकड़ लिया है, हमारे पास कोई क्लू मिल गया है। उनकी अब तक कोई जानकारी तक नहीं दी गई है कि वो ये बंदे हैं या वो बंदे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो सर, क्या आप इसमें पुलिस की नाकामयाबी या पुलिस की मिलीभगत समझते हैं? इसमें पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। वहाँ पर ड्रग्स का बहुत बड़ा गैंग चलता है जिससे पुलिस को मंथली 50-60 लाख रुपये वहाँ आते हैं। वहाँ के SHO ये सब मिलके यहाँ उन्होंने ये सारा रैकेट चला रखा है। हम अपने उस पे बहुत कुछ करते थे, रोकते थे, लेकिन हम उनको पकड़ते थे तो वो उल्टा हम पे ही केस बना के थाने में हमारे नाम से रिपोर्ट करते थे, जिससे कि हमने कई बार हाथ जोड़ के अपने नाम कटवाए हैं पुलिस रिपोर्ट से। अब उन्होंने, हमारे भाई ने 1.5 साल से एप्लीकेशन लगा रखी थी, CP ऑफिस तक एप्लीकेशन लगा रखी थी। उसके बाद ये सारी मिलीभगत होने के बाद उसको उस दिन रात को 8:45 पर उसको गोली मार दी गई। उस टाइम पे जिप्सी वहाँ खड़ी हुई थी, मेरे भतीजे ने खुद जिप्सी पे वाले से जाके बोला कि मेरे चाचू को गोली मार दी, लेकिन जिप्सी वहाँ से चुप निकल के कह रहे आप 100 नंबर पे कॉल कर लो, और वहाँ से चली गई। उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा प्रदर्शन हुआ, उसमें उस SHO ने सीधे वहाँ पर 18 राउंड फायर मारे हैं और पथराव करा है। जो मेरे मामा का लड़का है रुपेश, उसके जो सगे चाचा हैं, जब वो रात को हॉस्पिटल से आ रहे थे तो उन पे इतना पथराव करा, उतना डंडे मारे हैं कि आज उनके 5 टाके हैं सर में और पूरी बॉडी पे नील पड़ा हुआ है।
ऐसा क्या महकमे को हो गया? अगर थोड़ा सा रोज प्रदर्शन करना था हमें तो हम तो कर ही रहे थे आराम से, उसके लिए उन्होंने पूरे घर को मारा है पुलिस वालों ने। तो ये सारी पुलिस की मिली भगत है, इसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहे कि वो सब अपना दीन ईमान खो के बैठे हैं। थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने एक बच्चे की जान कुर्बान कर दी। तो सुना आपने किस तरह लोगों ने अपनी गुहार लगाई है कि सरकार से उनको उनका हक मिलेगा और रुपेश बैसोया के जो गुनहगार हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पाएगी। कैमरामैन बिट्टू के साथ मैं अंकित शर्मा, राष्ट्र खबर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।